पेट्रोल पंप के डीटीओ लाइसेंस का नवीकरण शीघ्र हो, बोले प्रदीप ठाकुर। डीलर कमीशन को बढ़ाए जाने की पुरजोर मांग। निर्वाचन कार्य हेतु आवंटित तेल के बकाया राशि का अविलंब हो भुगतान। उक्त बातें दरभंगा जिला पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदीप ठाकुर ने कही। आगे उन्होंने कहा कि ताराकांत ठाकुर एवं रामाश्रय चौधरी के सुपौल पेट्रोल पंप पर स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्वाचन कार्य हेतु तेल लेने के क्रम में की गई अभद्रता एवं मारपीट की दुखद घटना की शीघ्र जाँच कर दोषियों पर अविलंब कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर एसोसिएशन की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसके संरक्षक मंडल में अशोक मित्तल, उमर फारूक रहमानी, डॉक्टर शिवकिशोर राय, तेज नागमनी, सुशील बैरोलिया तथा पंकज कुमार परासर हैं। कार्यकारिणी में अध्यक्ष संजीव ठाकुर, उपाध्यक्ष मोहम्मद सरफराज, के एस रहमानी, गोपाल कुमार, प्रदीप ठाकुर, सैयद शाहिद हसनैन, राहुल भारद्वाज, राम प्रवेश, रुद्रकांत मिश्र, सचिव संदीप कुमार राय तथा कोषाध्यक्ष के पद पर संजीव कुमार ठाकुर के नाम पर मुहर लगी। अंत में समेकित रूप से निर्णय लिया गया कि एसोसिएशन की समुचित मांगों की संबंधित डीटीओ एवं जिला प्रशासन द्वारा शीघ्र पूर्ति नहीं किए जाने पर मजबूर होकर हम लोग हड़ताल करने पर बाध्य होंगे। मूल रूप से डीलरों के देखिए, किसी भी काम में काम होता है तो समस्या तो आती रहती है। दरभंगा जिला के सारे डीलर के डीलर आज यहाँ उपस्थित है, और इतना सरकारी काम रहता है, फिर डीलर कमीशन वाला मुद्दा सुने हैं तो आए दिन कोई ना कोई समस्या होती रहती है। और हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग भी जनता के हित में काम करते हैं, जनता की भी समस्या होती है, डीलरों की भी समस्या होती है, तो एक संगठन, सही संगठन जब हम लोगों का चल रहा होता है तो फिर उन समस्याओं का सही तरीके से निदान होता है। उसी निमित्त आज हम लोग बैठे हैं। संगठन का फिर नया चुनाव भी हुआ है और ये ऊर्जावान संगठन है, अच्छी तरह से काम करेगी। मेन मुद्दे ये हैं, हमारा संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। संगठन कई सालों से थोड़ा एक्टिव नहीं, हम लोग नए संगठन में फिर बदल किए हैं, संगठन मजबूत, इससे हमारे लोकल मुद्दे भी और राष्ट्रीय मुद्दे भी और आर्थिक मुद्दे भी। हम लोग का कमीशन पिछले 8 सालों से नहीं बढ़ा है, इसलिए हम लोग को दिल्ली हुक पर सवालिया निशान है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का कमीशन भी करें, सम्मान भी करें, इसलिए कि हम भी तो समाज का एक हिस्सा है। ये जो मीटिंग हुई है, दो मुद्दों पर मुख्यतः बात हुई है हमारी। एक तो नई कार्यकारिणी का गठन करना था, हमें नई कार्यकारिणी के गठन में सर्वसम्मति से संजीव कुमार ठाकुर को हमने अपना अध्यक्ष बनाया है। हमें निवर्तमान अध्यक्ष श्री अशोक मित्तल जी के मुख से ही इसका अनाउंसमेंट कराना था, लेकिन किसी कारणवश आज वो उपस्थित नहीं थे। उनकी शुभकामनाएँ हमारे नई कमेटी के साथ हैं। दूसरा जो मुख्य मुद्दा था कि पिछले 7 साल से हमारा डीलर कमीशन नहीं बढ़ा है, उस पर चर्चा और आगे की कार्रवाई के लिए हम बैठे हैं। और जल्दी हम इस संबंध में एक आवेदन सरकार को समर्पित करेंगे और दरभंगा और बिहार स्तर पर स्ट्राइक की घोषणा करेंगे। कहाँ कहाँ से लोग आ जाए हैं डीलर्स? दरभंगा जिले के सभी जिलों से लोग आए हैं, झंझारपुर तक से लोग आए हैं, बहरी से लोग आए हैं, दरभंगा शहर से लोग आए हैं, सिंधी से आए हैं, हर एक जगह का आज आना हुआ है, सभी जगह से लोग आना। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पंकज पराशर। संगठन में मैं लीगल देखता हूँ, विभिन्न कार्यों को देखता हूँ। बात हुई है, क्या निष्कर्ष निकला है? पेट्रोल पंप मालिकों का जो समस्याएं हैं, सेंट्रल लेवल का, स्टेट लेवल का, लोकल स्तर पर खास करके डीलर कमीशन के जो मुद्दा है, वो आज सब जगह से हम लोग परेशान हैं। कैपिटल में रनिंग कैपिटल ज़्यादा हम लोग लगा रहे हैं और उनके बिल्कुल खर्चा बढ़ते जा रहा है, के कारण सब लोग परेशान हैं। और ये मुद्दा हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज, सेंट्रल वाइज सब लोग लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। इसलिए इसको आगे, जैसे इलेक्शन का आचार संहिता समाप्त होगा, हम लोग कड़ा निर्णय लेंगे और उस पर पेट्रोल पंप एसोसिएशन सब लोग एसोसिएशन से बात करके और इसको अनिश्चित काल हड़ताल
हो, उस पर हम लोग आज गड़े मुद्दे पर मेरे स्ट्राइक हो, उस पर हम लोग ने निर्णय लिया है। और खास करके ये बाहरी जो सरकार बैठी है या मोबाइल कंपनी बिल्कुल नहीं ध्यान दे रही है कि ये आज जो डीलर की समस्याएं हैं उस समस्या पर कोई देखने को तैयार नहीं है। हम लोग त्रस्त हो गए हैं, सब लोग परेशान हो गए हैं। तो इसी सब मुद्दे पर बात की।